त्रिपिटक चांटिंग में, ये अरबिंदो आश्रम दिल्ली में, तो आज से यहाँ हम लोग शुरुआत करेंगे। तो इस शुरुआत के लिए हम लोग ए भंते जी हमारे महानाम हैं और भंते जी उपाली हैं। हम भंते डॉक्टर सुमेध थेरो ललितपुर और झांसी में जो भी बुद्ध विहार हैं वहाँ पर हम निवास करते हैं, और उसी के तहत 18वीं त्रिपिटक चांटिंग काउंसिल में अरबिंदो आश्रम। तो अरबिंदो आश्रम का ये दृश्य देखें आप, तो मनोरम दृश्य है। बहुत सारे तरह के पेड़ पौधे और इन्होंने ये लगाए हुए हैं। इन पेड़ पौधों के हिसाब से जो मेंटेनेंस होना चाहिए, तो यहाँ के जो भी स्टूडेंट हैं और जो काम करने वाले लोग हैं उन्होंने बहुत अच्छे से इसको मेंटेन किया है, और उसी मेंटेनेंस को आगे देखते हुए हम लोगों ने ऐसा विचार किया कि जो गुरुजी और जो माताजी और उनका जो कार्यक्रम है या उनकी जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में इन्होंने पिछले 6 वर्षों से यहाँ धम्मपद की, धम्मपद बौद्ध धम्म का एक मुख्य ग्रंथ है, उसमें 423 गाथाएं, उन 423 गाथाओं का पाठ किया जाता है। उन गाथाओं के पाठ को ही करने के लिए आज बहुत सारे देश के लगभग 14 महासंघ, मैंने 14 देश जिनके महासंघ मुख्य रूप से म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भारत के तो हैं ही हैं इंडियंस, तो उसमें लाओ और वियतनाम, ये सब नेपाल सहित सभी जो देश हैं उनके बौद्ध भिक्खु आज यहाँ पर एकत्र रहेंगे। तो आज हम श्री अरबिंदो जी की समाधि से इस पे आज आपके साथ जो बातचीत कर रहे हैं, या ये समाधि का दृश्य है उसको आप सब लोग देख पा रहे हैं, हम आप सभी का साधुवाद करते हैं।